दोस्तों, शीतलहर चल रही है और बोगनविलिया के फूल लहरा रहे हैं। हमारे बोगनविलिया ओजी के ये दो प्लांट, इन पर ब्लूमिंग तो काफ़ी हैवी है, पर इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से मुझे इनके टूटने का डर बना रहता है। आज के इस वीडियो में हम एक तो इन प्लांट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, साथ में मैं आपको इस प्लांट का टाइम लैप्स वीडियो दिखाऊँगा। दिसंबर से लेके अप्रैल तक का इस प्लांट का सफ़र दिखाऊंगा, साथ में बोगनविलिया की इस वैरायटी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो बागवानी का शौक रखने वाले सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नैन, ब्लूमिंग यार्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। तो ये है जी हमारे बोगनविलिया की ओजी वैरायटी के दो प्लांट, जिन पे काफ़ी हैवी ब्लूमिंग है और इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, जिसे मजबूत करने के लिए इनकी हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। पर अभी विंटर सीजन होने के कारण और प्लांट्स पे ब्लूमिंग होने के कारण हम ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए हम फरवरी महीने की वेट करेंगे। और आप सबसे भी अनुरोध है कि आप अपडेट के लिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों, 2 से 2.5 महीने की लगातार ब्लूमिंग के बाद फरवरी महीने के बीच के दिन आ गए हैं और अब तक बोगनविलिया ओजी के प्लांट्स की जो ब्लूमिंग है वो झड़ चुकी है और ये सही टाइम है इन प्लांट्स पे काम करने का, इनको खाद पानी देने का और इनकी हार्ड प्रूनिंग करने का। और दोस्तों, इस काम को करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसे सबसे पहले डिसइंफेक्ट कर लें। आप घर के सामान में से इसके लिए सिरके का यूज़ कर सकते हैं या फिर गार्डनिंग शॉप से कोई भी डिसइंफेक्ट करने वाला स्प्रे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, प्लांट्स की छटाई करने का काम ख़त्म हो गया है और मैं अब खाद देने के लिए इनकी ऊपर ऊपर की मिट्टी निकाल के फिर आपसे मिलता हूँ, ताकि ये आने वाले समर सीजन में अच्छे से फ्लावरिंग करें। इसके लिए हम इनमें काउडंग फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं 1-1 चम्मच और 1-1 चम्मच एप्सम सोल्ट का डाल रहे हैं। अब दोस्तों, बोन मिल का 1-1 चम्मच डालते हैं। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट का 1-1 चम्मच और लास्ट में, ताकि फंगस ना लगे, इसके लिए हम नीम के पाउडर का 1-1 चम्मच डाल देंगे और इस मिक्सचर को थोड़ी सी मिट्टी मिला के मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर के ऊपर 1 परत मिट्टी की और डाल देंगे, ताकि कभी भी अगर ओवर वाटरिंग हो तो गमलों की दीवारों से ये खाद जो हमने डाली है ये नीचे ना आए। दोस्तों, इस तरीके से खाद देने का फ़ायदा ये भी है कि हमारी जो फर्टिलाइज़र है वो सीधी जड़ों तक पहुंचती है और कभी भी बारिश में या ओवर वाटरिंग में पानी के साथ आपकी खाद नहीं बहेगी, सिर्फ मिट्टी बहेगी। चलिए, ऊपर अब एक नॉर्मल मिट्टी की परत बना देते हैं। दोस्तों, अब तकरीबन हमारा जो काम है वो खत्म हो गया है। हमने प्लांट्स को ग्रोइंग सीजन के लिए तैयार कर दिया है, इन्हें पूरी तरह रिफ्रेश कर दिया है। अब हमारे दो काम बाकी रह गए हैं।
एक थोड़ा सा आसान है और एक थोड़ा सा मुश्किल। जो काम आसान है दोस्तों वो है इम्प्लांट्स की वाटरिंग करना, और जो काम मुश्किल है वो है इंतज़ार करना, यानी कि धीरज, धैर्य या पेशेंस। चलिए अब वापस रख देते हैं पहाड़, नदी, पत्थर और इन प्लांट्स की वाटरिंग कर देते हैं। दोस्तों बोगनविलिया ओजी का प्लांट नॉर्मल बोगनविलिया से सिर्फ देखने में ही अलग है, अदरवाइज इसकी सोइल रिक्वायरमेंट, सन रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट सब नॉर्मल बोगनविलिया की तरह ही होती है। यहाँ तक कि इसमें फर्टिलाइजर भी सारी वही डलती है जो नॉर्मल बोगनविलिया में हम डालते हैं। तो चलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में बने रहिए, जैसे ही पत्ते निकलेंगे और नए फूल खिलेंगे तब मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों करीब करीब 24 से 25 दिनों बाद मार्च के महीने के पहले वीक में बोगनविलिया ओजी के प्लांट्स पे पत्ते निकल चुके हैं और कहीं कहीं फूल भी दिखने लगे हैं। अब क्योंकि मार्च के महीने का जिक्र आ गया है तो मैं आपको बता दूं कि साल 2020 में मार्च के महीने में जब पहला लॉकडाउन लगा था तब हमने इन प्लांट्स को लगाया था, और अगर फ्लावरिंग के लिहाज से देखें तो एक साल की उम्र होने पे ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग विंटर सीजन में और समर सीजन में कर चुके हैं। दोस्तों जो अब की बार इन पे फूल आ रहे हैं वो तीसरे सीजन के फूल हैं। पहले 2020 की समर्स में इन्होंने फूल दिए, फिर 2020 की विंटर सीजन में जो कि आपने देखे, और अब 2021 की समर की स्टार्टिंग में इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। हालांकि अभी फूलों का साइज काफ़ी छोटा है और इन पे जो कलर है वो भी पूरी तरह नहीं आया है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अपडेट के साथ मिलता हूँ। ब्राइट पीच कलर के साथ पिंक कलर की डार्क वेरिएशन फूलों में आ गई है। दोस्तों इस टाइम जो सिचुएशन है ये मार्च के महीने के तीसरे वीक की है। हालांकि अभी भी जो पत्तों का साइज है वो फूलों से ज़्यादा है और डिफोलिएट करने की ज़रूरत काफ़ी महसूस हो रही है, पर ये काम हम अभी नहीं करेंगे, फूलों को थोड़ा और बड़ा होने देंगे। दोस्तों इन 10 दिनों में फूलों का जो कलर है वो भी ब्राइट हो गया है, उनका साइज भी बड़ा हो गया है और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है, पर अभी भी कुछ फूल छोटे हैं जो कि बड़े होने की हम वेट करेंगे। दोस्तों बोगनविलिया ओजी को बोगनविलिया 36 पेटल भी बोल दिया जाता है। बोगनविलिया की ये वैरायटी पीच कलर के साथ पिंक कलर में, वाइट कलर में, रेड कलर में और येलो कलर में भी आपकी आसपास की नर्सरीज में आसानी से मिल जाती है। आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो में बने रहिए, मैं फूलों का साइज थोड़ा और बड़ा होने के बाद, प्लांट के सारे पत्ते काटने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो प्लांट्स की फाइनल लुक के साथ वीडियो के आखिरी हिस्से में आप सबका स्वागत है। दोस्तों फूलों का साइज इंक्रीज हो चुका है और हमने जो प्लांट्स के सारे पत्ते हैं वो काट दिए हैं। फूल में पीच कलर की और पिंक कलर की एक कॉम्बिनेशन बन रही है। दोस्तों पत्ते काटने के बाद सिर्फ फूलों में प्लांट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और हार्ड प्रूनिंग का जो इन पर असर हुआ है उससे ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें स्टैंड पे भी रख सकते हैं बिना इस डर के कि ये हवा से गिर जाएंगे। दोस्तों बोगनविलिया ओजी में जो फ्लावर्स आते हैं वो गुच्छों में आते हैं, इसके अलावा जो फ्लावर्स आते हैं वो बैचेज में आते हैं। जैसे एक बैच आएगा, काफ़ी दिन खिला रहेगा, जब वो फूल गिरने लग जाएंगे फिर नए बैच के फूल आ जाएंगे। जैसे डबल पेटल के बोगनविलिया के फूलों में दो पत्तियों की परत होती है दोस्तों,
उसी प्रकार बोगनविलिया ओजी के फूलों में पत्तियों की कई परतें होती है, इसीलिए शायद इसे बोगनविलिया 36 पेटल बोल दिया जाता है। इसके अलावा बोगनविलिया 36 पेटल के जो फूल है वो डबल बोगनविलिया से थोड़े से साइज में छोटे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि प्लांट्स में होने वाले चेंजेस आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका सहप्रेम धन्यवाद।